प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें महाराष्ट्र के वर्धा च प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्थापना समारोह भी किया संबोधित आख्या साढ़े 6 लाख लाभार्थियों की रवायती व्यवसाय बढ़ाने दी गई मदद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दुए मरहले चुनाव प्रचार च आई तेजी 5 सितंबर की पाए जांगन वोट। रियासी जिले के चुनाव आदर्श आचार संहिता की खिलाफ वर्जी करने पर 3 सरकारी कर्मचारियों की किया गया मुअत्तल। नीट पेपर लीक मामले च सीबीआई ने दायर की 2 FIR। नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है ते हुन खबरां विस्तार कन्ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज शिल्पकारें गी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दा लाह ठुआईए उद्यमी ते कारोबारी बनने लई आख्या। प्रधानमंत्री होरें वर्धा च स्वावलंबी ग्राउंड च प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दी बरेगंढ उपर लगे दे समारोह दौरान लाभार्थियों की संबोधित किया। उन्हें आख्या जे अपने अपने रवायती कम धंधे के विस्तार ते पैदावार बधाने वास्ते 6,05,000 लाभार्थियों की आधुनिक मशीनों ते औजार दिते गए हैं। प्रधानमंत्री होरें महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाएं गी जिंदे च आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र ते पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम शामिल है। ये स्कीम नौजवानों की मुफ्त कौशल की सिखलाई देने ते महिलाएं गी आत्मनिर्भर बनाने लिए शुरू की गई हैं। कार्यक्रम दौरान प्रधानमंत्री होरें पीएम मित्र टैक्सटाइल पार्क का नींह पत्थर रखा जिसे पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले च बनाया जाग जिहड़ा 1,000 हैक्टर च फैलेदा होगा। आगे नहीं बढ़ने दिया हमने सरकारी सिस्टम से। कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ते राष्ट्रीय सेकेंडरी कृषि संस्थान एनआईएसए के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्हें आख्या जे आईसीएआर ते एनआईएसए ने देशा चा लाख दा कीट का उत्पादन करने च महत्व वाला योगदान दिता है। राष्ट्रपति होरें आख्या जे झारखंड देशा दा तकरीबन 55% लाख दा उत्पादन करदा है। राष्ट्रपति होरें किसानें दी आमदन गी बधाने वास्ते उद्योग आधारित कृषि गी बढ़ाने देने उपर बल दिता ते किसानें गी जागरूक करने वास्ते विज्ञानकें गी आख्या। एफपीओ और पेक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं। सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और खाने पीने वाली चीजें कन्ने संबंधित खाद्य सुरक्षा प्रणाली च सुधार वास्ते लगातार सहयोग नवाचार ते दृढ़ता दा आह्वान किया है। अज नवी दिल्ली च वैश्विक खाद नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नड्डा और आख्या जे तेजी कन्ने होआ करदे वैश्विक तकनीकी उन्नति ते उपभोक्ताएं च बदधी तरजीह आली सोच ने खाद प्रणालियों की नवा रूप दिता है। उन्हें सेहत मंत्रालय ते भारतीय खाद सुरक्षा संबंधी मानक प्राधिकरण FSSAI आसिया खाद पदार्थों के मानक तय करने पैदावार ते उपभोग के रुझाने के मुताबिक खाद मानक तैयार करने लई इंदी महत्व वाली भूमिका उपर बल दिता। सेहत मंत्री होरें आख्या जे खाने वाली चीजें बस्तें च कीटनाशकें के अवशेष मनुखी सेहत वास्तै खतरा पैदा करते हैं। इस मौके पर बोलते हुए खाद मंत्री प्रहलाद जोशी होरें खाद नियामकें अनुसंधान संगठनें ते उपभोक्ता मामले के महकमे बशकार सहयोग ते नवाचार की बढ़ावा देने उपर बल दिता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सैकटरी ते केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज राजौरी के पीरी ते और किश इलाकें च चुनावी रैलियों की संबोधित किया। उन्हें लोगों की आख्या जे जम्मू कश्मीर के विकास लई वो भाजपा के उम्मीदवार के हक च मतदान करन। केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें लोगों की संबोधित करते हुए आख्या जे उनकी सरकार समाज के सबने वर्गों की कन्ने लिए चलने च विश्वास रखती है।
दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करदे होई श्री तरुण चुग होरें भाजपा दे चुनावी एजेंडे बारे जानकारी दित्ती। मेरे पास इतने भाई से भाई को लड़ाने की खेती की है, अपनी अमीरियत को और बढ़ाने की कोशिश की है और मोदी ने गुर्बत समाप्त करने का काम किया है। आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस को मोदी साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम उसे 7 लाख करेंगे। हर गरीब को घर देंगे, 3 करोड़ नए घर और 5 लाख नौकरियां, और नौकरी करने जाने वाले नौजवान को खर्चा भी सरकार देगी। जम्मू कश्मीर च दुए मरहले दे असेंबली चुनाव इस महीने दी 25 तरीक गी होंगन। इस मरहले च डिवीजन दे 3 जिलें दे 26 असेंबली हलकें दियें 11 सीटें पर वोट पाए जांगन। अदबंदी दे बाद नमें बनाए गए दे माता वैष्णो देवी असेंबली हलके च भी इसै मरहले च वोट पौंगन। इस हलके च 56,506 मतदाता न, जिंदे च 29,660 मर्द ते 26,846 महिला मतदाता न। इंदे च एक पिंक, 2 हरे ते 2 PWD दे मतदान केंद्रें सनै कुल 90 मतदान केंद्र बनाए गेदे न। इस हलके थमां 4 आजाद मेदवार सनै कुल 7 मेदवार चुनाव मैदान च खड़ोते दे न। स्वीप प्रोग्राम तहत मीरा साहब दे ब्लाक अफसर दी तरफा नेका चाली दे जागरूकता कार्यक्रमें दा आयोजन करियै लोकें गी वोट पाने लई प्रेरित कीता जा करदा है। इनें कार्यक्रमें च बूटे लाने, रंगोली प्रतियोगिता, पत्थरें ते कंधे पर चित्रकारी ते दस्तखत करने दी मुहिम शामिल है। जम्मू दे स्वीप नोडल अफसर विकास शर्मा होरें इनें गतिविधियें दी सराहना कीती। एक्टिविटीज हम स्वीप की कर रहे हैं, उसका एक ही मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि 1 अक्टूबर को थर्ड फेज में जो जम्मू में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अवेयरनेस क्रिएट की थी कि जो भी 18+ है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जाएं 1 अक्टूबर को, जरूर वोट डालें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली सभी यूथ के पास कि वो अपना वोट कास्ट करें। बच्चों ने, स्टाफ ने सारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें, तो इसमें हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, जो हमारा अक्टूबर 1 को जो पोलिंग डे आ रहा है। स्वीप प्रोग्राम तहत सांबा जिले के मोहरगढ़ ग्रां च मतदाताएं की वोट के महत्व बारे जागरूक बनाने लिए नेका चाली के कार्यक्रमें का आयोजन किया गया। इंदे च एक लघु नाटक का प्रदर्शन भी शामिल है जिदे च लोकें गी प्रेरित किया गया जो वह मती कोला मती गिनतरी च जाइए वोट पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। इस मौके पर सांबा के जिला चुनाव अफसर राजेश शर्मा होरें आख्या जे साड़ा मकसद है जे कोई भी पंजीकृत मतदाता वोट पाने के बगैर नहीं रह जा। यहाँ पे थोड़ी परसेंटेज कम थी, लोगों का भागीदारी कम थी, तो हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक थोड़ा सा किया अवेयरनेस रिगार्डिंग वोट्स और इलेक्शन के लिए क्या जरूरी है वोट डालना। तो उसी के चलते ये माहौलगंज बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ फोर्ट भी है, तो लोगों की हमने बीच में पार्टिसिपेशन करके यही मैसेज देने की कोशिश की है कि आप आके 1 अक्टूबर को अपना वोट दें और अपनी जो ड्यूटी है वो निभाएं, अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज करें। उधमपुर जिले च मतदाताओं की जागरूक बनाने लिए स्वीप तहत चलाए गए अभियान के सिलसिले च जिले की पंचायरी तहसील च भी नेका चाली दियें जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इंदे च रैलियां, सैमीनार ते आपसी चर्चा ते कार्यक्रम शामिल ने। अज इस चाली के कार्यक्रमें का आयोजन पंचायरी के डुब्बी गली के सरकारी हाई स्कूल च किया गया जिथे वक्ताएं वोट के महत्व बारे अपने विचार प्रकट किए। मेरा भी फर्स्ट टाइम वोटर है, मैं सभी गांव वालों से ये कहना चाहता हूं कि अपना वोट मिस ना करें और 1 अक्टूबर को अपना वोट जरूर डालें। मेरी सारे मतदाताओं से ये गुजारिश है कि 1 अक्टूबर को वोट डालना जरूर आए, अपना वोट वेस्ट ना करें। आज स्वीप का हमने एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम रखा था स्कूल डुब्बी गली में मुंगरी में, जिसके तहत हमारा यही प्रयास रहा कि जो बदलाव लाना है उसके लिए जो वोट है वो सबसे बड़ा हथियार हमारे आम इंसान के पास है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो स्वीप की एक मुहिम चलाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये काफी एक क्रांतिकारी है। राजौरी जिले के दिव्यांगे ते 85 बरे कोला वध बरिसू के बुजुर्गों कोला घर घर जाइए वोट पाए जाने की मुहिम जारी है। जिले के एक दूर दरेडे ग्रां सांकरी की बुजुर्ग मतदाता संतोष देवी होरें आख्या जे दिव्यांग होने कारण वह मतदान करने च अपने आपा की असमर्थ महसूस करा करदियां हियां,
पर उन सरकार दी इस सहूलत कन्नै उनेंगी अपने घर थमां गै वोट पाने कन्नै खुशी हासिल हुई है। संतोष नाम है मेरा और घर में तीन आई है, मैं वोट डाल रही हूँ और सभी इस तरह ही वोट डालो। मेरे को 3 साल हो गए, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरे हाथ पैर नहीं काम करते, दर्द है मेरे को, मैं नहीं चल सकती। शुक्रिया बहुत जो घर में आके वोट ले जाते हैं, शुक्रिया बड़ा। लोग भी खुश हैं, जो जिन्हें कभी वोट नहीं डालते वो भी डाले, वोट डालना भी बढ़ रहा है इससे और लोग बहुत ज्यादा मुतमिन हो रहे हैं। पुंछ के जिला चुनाव अधिकारी विकास कुंडल होरें दस्सिया जे पुंछ जिले च घरें च कराए गए मतदान के बड़े उत्साह बधाने वाले नतीजे सामने आए हैं। उन्हें आख्या जे 98.5% पात्र मतदाताएं इस चाली वोट पाए है, जेड़ा खास करिए बुजुर्गें ते दिव्यांगें च चुनाई गी लेइए एक जोश दर्शांदा है। इन्हें अपने घर थमां गै मतदान करने की सुविधा दी गई ही, घरें च जाइए मतदान करने वाली पहलकदमी चुनाव आयोग आसिया की गई तां जे चुनाव प्रक्रिया च सारे गी शामिल किया जा सके। विकास कुंडल होरें इमानदारी कन्नै संपन्न होई दी इस प्रक्रिया उपर संदोख प्रकट किया, रिटर्निंग अफसरें ते मतदान करने वाले अमले की सराहना की। वोटर्स ने अपने वोट पहले दो दिन में ही कास्ट कर दिए हैं, 18th और 19th को, लास्ट का डे आज है, 20th को है हमारा। और इसके बाद जो हमारे वोटर पोस्टल वोटिंग सेंटर्स हैं और फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उस पर भी काफ़ी अच्छी हमारी वोटिंग हुई है। हरजोरी ते पुंछ जिले दे जिहड़े खानाबदोश गुजर बकरवाल अपने माल डंगर गी लेइए गर्मियों च उच्चे पहाड़े पर चली जांदे ने, उंदे च भी मते सारे हुण मतदान करने लई अपने अपने इलाकें च वापस आवा करदे ने। इन्हें लोकां दस्सिया जे अस भी चाहने आ जे वोट पाईए ऐसा नेता चुनिया जा जिहड़ा साढ़े जने खानाबदोश लोकां दा भला करी सके। फोन करना है और जल्दी करते हैं, हम अपना ये कुछ भेड़ बकरी बेचकर हम अपना काम शाम कर हम घर चले जाएंगे, जाकर अपना वोट पोल करेंगे जी। मुश्किल बहुत होती है सर, हमारा बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कोई नेक ऐसा बंदा आएगा जो हमारे ये मुश्किल हाल करेंगे। रियासी जिले च चुनाव अधिकारियों आसिया त्रों कर्मचारियों के चुनाव आदर्श आचार संहिता की खिलाफवर्जी करने कारण मुअत्तल कर दिया गया है। इस बारे जारी हुक्म च आख्या गया है जे उत्थें चुनाव लड़ा करते नैशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद हुंदे आसिया हासिल एक वीडियो जिसी रियासी के जिला चुनाव अफसर होरें भी भेजे के मुताबक दसिया गया है जे पिंड पालन महकमे के माहौर दफ्तर का एक कर्मचारी रोशन दीन चिरे संझा एक खास पार्टी के उम्मीदवार लिए चुनाव प्रचार करा करता है। इसके परैंत गुलाबगढ़ चुनाव हल्के के नोडल अफसर उनके आसिया की गई जांच पड़ताल के परैंत त्रों कर्मचारियों की मुअत्तल किया गया है। पूरे मुल्क च जारी स्वच्छता ही सेवा 2024 मुहिम तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू च पर्यावरण विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ते NSS के स्वयं सेवकों की तरफा भी स्वच्छता की एक खास मुहिम चलाई गई। इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन होरें विद्यार्थियों की इस कोशिश की सराहना की। स्वच्छता अभियान यूनिवर्सिटी के बाहरले इलाकों भी चलाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पटना की CBI अदालत च नीट UG 2024 प्रश्न पत्र लीक ते चोरी वाले मामले च 6 आरोपियों खिलाफ दुई चार्जशीट दायर की है। भारतीय कानून संहिता के बख-बख प्रावधानों तहत यह चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा 1988 के भ्रष्टाचार की रोकथाम बनाए गए कानून प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की बख-बख धाराएं तहत वाधू मौलिक आरोप भी तय किए गए हैं। नीट UG 2024 के इम्तिहान कराने संयोजक नियुक्ति किए गए दे क्वेसिस स्कूल के प्रिंसीपल डॉक्टर एहसानुल हक से इम्तिहान लेने वाली राष्ट्र जांच एजेंसी NTA आसिया नियुक्त किए गए दे सेंटर सुपरिंटेंडेंट वाइस प्रिंसीपल मोहम्मद इम्तियाज आलम खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। ये दुई चार्जशीट बलदेव कुमार उर्फ चिंटू सन्नी कुमार डॉक्टर एहसानुल हक मोहम्मद इम्तियाज आलम से हजारीबाग के मुकामी पत्रकार जमालुद्दीन ते अमन कुमार सिंह के खिलाफ दाखिल की गई है। इस थमां पहले CBI ने 13 आरोपियों खिलाफ 1 अगस्त की पहली चार्जशीट दर्ज कराई ही। इदे कन्नै गै डोगरी खबरें का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।